हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कॉम वाले आज की वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो शुरू करते हैं पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे लाइबिलिटीज़ तो सबसे पहले देखते हैं पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला मेकर मेकर कौन होता है द पर्सन हु प्रॉमिसेज टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अनदर पर्सन मेक्स अ प्रोमिसरी नोट साइंस इट एंड गिव्स टू द अदर पार्टी जो प्रामिस करता है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा दूसरे पर्सन को और प्रामिसरी नोट बनाता है उसे साइन करता है और दूसरे पर्सन को देता है बिकॉज ही मेक्स इट दैफर ही इज कॉल्ड एज द मेकर क्योंकि वो बनाता है तो उसको वो मेकर कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स द मेकर इज द डेटा हु प्रोमिसज टू पे टू हिस्स क्रेडिटर मेकर एक्चुअल में वो होता है जो प्रॉमिस करता है कि वो पे करे क्रेडिटर को सेकेंड होता है पेई अंडर सेक्शन सेवन पेई एक वो पर्सन होता है हु इज़ एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो ही इज़ द रिसपियंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर एक चेक और ये तीनों हम पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में कि ये काइंड ऑफ़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो अ प्रोमिसरी नोट पे होता है रिसीवर ऑफ़ मनी टू होम प्रोमिस बींग मेड और बिल ऑफ एक्सचेंज केस में जो ड्रॉर होता है वही पे ही पेई होता है और जहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स किया जाता है तो वहाँ पे इंडोरस ही हमारा पे ही बन जाता है जब हम चेक की बात करेंगे तो जो हमारा ड्रॉर है जो कि हमारा कस्टमर है वही पेई बन जाता है थर्ड है ड्रॉर सेक्शन सेवन के अंडर जो पर्सन ड्रॉ करता है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसको ही ड्रॉर बोलते हैं इन केस ऑफ चेक चेक के केस में ड्रॉर कस्टमर होता है जो ड्रॉ करते चेक ऑन हिज बैंक या फिर हमारा ड्रॉई तो फोर्थ है हमारा ड्रॉई सेक्शन सिक्स और सेवन के अंडर एक पर्सन हु इज़ डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉई इन दैट बिल जिस पर्सन को कहा जाता है कि वो बिल ऑफ़ एक्सचेंज के अंडर अमाउंट पे करे उसको ड्राई बोलते हैं उस बिल के अंडर और चेक के केस में ड्राई इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर चेक के केस में बेसिकली हमेशा एक बैंकर ही होगा या फिर कुछ ना कुछ बैंक से रिलेटेड फिफ्थ है एक्सेप्टर सेक्शन सेवन के अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर ड्राई ऑर्डर करता है ड्रॉई को ड्रॉ ड्रॉई को ऑर्डर करता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ़ मनी जो भी बिल में मेंशनड है और जब ड्राई साइन करता है उस बिल पर जो कि ऐसे होते है जब वो वर्ड लिखता है एक्सेप्टेड ऑन द बिल और उसको साइन करता है तो ही इज नोन एज द एक्सेप्टर जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका तो एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई मीन्स दैट ही नाउ ओवरटेक्स द अमाउंट विच ही हैज़ स्पेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ ड्रॉर सिक्स हमारा ड्राई इन केस ऑफ लीड सेक्शन सेवन के अंडर इसमें जो हमारे ड्राइ का नेम होता है वो जनरली मैंशनड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में बट कुछ टाइम्स एक से ज़्यादा ड्राई के नाम भी मैंशन हो सकते हैं बिल ऑफ़ एक्सचेंज में तो इस केस में जो भी हमारा फर्स्ट ड्राई होगा वो ऑनर नहीं करता बिल्कुल और जो होल्डर है दे मे हैव रिजॉर्ट टू द सेकेंड रॉय तो सिंस सेकेंड रॉय को हमने रिजॉर्ट कर दिया इन केस ऑफ नीड तो उस केस में जो हमारा फर्स्ट रॉय होगा वो ऑनर नहीं कर सकता बिल्कुल और सेकेंड वाले को हम बोल सकते हैं रॉय इन केस ऑफ नीड सेवेंथ है एक्सेप्टर फॉर ऑनर सेक्शन सेवन के अंडर जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हम नोट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड एनी पर्सन जो एक्सेप्ट करें उसको फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉर तो उस केस में वन ऑफ द इंडोर्सर उसको हम एक्सेप्ट फॉर ऑनर बोलते हैं एट्थ है हमारा इंडोर्सर सेक्शन फिफ्टीन के अंडर जब एक पर्सन हु इज़ इन होल्डर ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट चाहता है कि वो ट्रांसफ़र करे उसके राइट्स टू अनदर पर्सन तो विद दैट ऑब्जेक्ट इन व्यू तो वो अपने सिग्नेचर उस पर लिखता है जनरली एट द बैक ऑफ पेपर तो ही इज़ सेट टू बी द इंडोरसर या फिर उसने इंडोर्स कर लिया उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेक पेबल है टू एक्स और ऑर्डर तो एक, तो एक व्यू है कि वो ट्रांसफ़र करे राइट जो भी उनके राइट्स हैं वो ट्रांसफरेबल है, है वाई को तो एक्स विल साइन ऑन बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक चेक का एग्जाम्पल है इसमें तो वो अपने सिग्नेचर को कंसिडर करेगा एज इंडोर्समेंट और एक्स इस केस में इंडोर्सर है नाइन्थ है इंडोरसी इंडोर्सी एक वो पर्सन होता है जिसके फेवर में इंडोर्समेंट होती है तो डेफिनेशन भी यही है इंडोरसी इज द पर्सन इन हुज़ फेवर द इंडोर्समेंट इज़ मेड दैट इज इट मेन्स द पर्सन इन हुज़ फेवर द ने इंस्ट्रूमेंट इज बीन ट्रांसफर्ड बाय द इंडोर्समेंट जिसके फेवर में इंडोर्समेंट हो और जिनके फेवर में ट्रांसफर हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू एक्स ऑन ऑर्डर या फिर एक्स एक एंडोर्समेंट को दे रहा है पे टू वाई तो एक्स पे कर रहा है तो इसके अंदर वाई हमारा इंडोरसी है और एक्स इंडोर्सर है तो टेंथ है हमारा होल्डर सेक्शन एट के अंडर होल्डर वैसे आगे एक चैप्टर भी आएगा इधर भी हम देखते हैं तो द होल्डर अंडर सेक्शन एट ऑफ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक ये तीन वर्ड्स नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही जुड़ेंगे हर जगह जुड़ेंगे तो इट मीनस एक पर्सन जो इंटाइटल्ड है ख़ुद के नाम पे एक पोजेशन के थ्रू या फिर वो रिसीव कर सकता है रिकवर कर सकता है कोई भी अमाउंट दे ऑफ टू द पार्टीज तो डेफिनेशन में यही है होल्डर अंडर सेक्शन एट ऑफ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर चेक मीन्स अ पर्सन हु इज एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू पोजेसन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू तो जब नोट होगा बिल का या फिर चेक का अगर वो घुम जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस केस में होल्डर एक पर्सन होता है जो इंटाइटल्ड होता है एट द टाइम कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन हो तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स और ये सब कुछ इधर सिर्फ पार्टीज के रूप में आप इसको देख सकते हो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे सिर्फ नाम पता होने चाहिए फिफ्टीन मार्क्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फाइव मार्क्स में आ सकता है तो फिफ्टी फिफ्टी वाला चांस है इस चैप्टर का होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन नाइन एक पर्सन Who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or a cheque which is payable to our bearer, endorsee, or payee? So before amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person whom to which he derived his title. इधर सिर्फ डेफिनेशन ही दिए तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा हम ज़्यादा आगे करेंगे इसमें आप डेफिनेशन को देख के सिर्फ मीनिंग समझ सकते हैं ज़्यादा डिटेल में इसमें जानने की जरूरत नहीं नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे आराम से अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट सेक्शन थर्टी टू के अंडर जब एक मेकर एक प्रोमिसरी नोट को साइन करता है तभी एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है बाय हेम कि वो अमाउंट को पे करे अकॉर्डिंग टू इट्स टेन्योर तो एंगेज करता है उसकी एंगेजमेंट हो जाती है कि वो अनकंडीशनल हो जब वो पेमेंट करे और उसकी लाइबिलिटी टू पे वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए मतलब एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए उसकी लाइबिलिटी तब राइज करती है जब वो साइन करता है प्रोमिसरी नोट को और डिलीवर करता है सेम पर्सन को जिसके फेवर फेवर में वो बना है दैट इज़ हमारा पे तो लाइबिलिटी ऑफ मेकर प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल होनी ज़रूरी है सेकेंड लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ़ एक्सचेंज सेक्शन थर्टी टू के अंडर एक ड्रॉई जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लाइबल बनाता है ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए उसको तो उस केज में उस केस में एक्सेप्टेंस बाय हिम मींस जो भी अंडरटेकिंग है उसका अमाउंट जो वो पे करने वाला है उसमें भी सेम अकॉर्डिंग टू टेनियर ऑफ बिल इसमें उन्होंने खुद ही लिख दिया लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर को कंटेन करता है जहाँ पे ड्रॉई एक्सेप्ट करता है उस पर्टिकुलर अमाउंट को और वह एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बन जाती है बाय हिम टू पे दैट अकॉर्डेंस विद टेन बिल तो एक्सेप्टेंस पे एक्सेप्टर प्राइमरी लाइबल हो जाता है उस अमाउंट को पे करने पे ऑन इट्स मेच्योरिटी तो इसके अंदर दो कंडीशंस दी हुई है पहली है एक्सेप्टर की लाइबिलिटी फॉर अ बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम मतलब कि एक जो उसका नाम नहीं है किसी और के नाम पर तो एक्सेप्टर उस एक्सेप्टर ऑफ बिल वो लाइबल होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में प्रोवाइडेड कि जो बाद में उसको बिल मिलेगा वो इंडोरसी से साइंड होगा बाय द ड्रॉर और सिग्नेचर फर्स्ट इंडोरसमेंट पर होगी और यहाँ पे ड्रॉर की हैंड रंग सेम होनी ज़रूरी है और एक्सेप्टर की लाइबलिटी एक फॉर्ड इंस्ट्रूमेंट के केस में सेक्शन फोटी वन के अंडर एक एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का जिसको ऑलरेडी इंडोर्स कर दिया गया है इज़ नॉट रिलीव फ्रॉम लाइबिलिटी किसी भी रीज़न से तो उसमें इंडोर्समेंट को हम फॉर कर देते हैं और अगर वो जानता है कि इंडोर्समेंट का रीज़न क्या है तो फिर फॉग जो भी होगा बिल एक्सेप्टेड बिल एक्सेप्ट किया जाएगा उस केस में थर्ड है हमारा लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ड्रॉर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेकिंग के इसमें सेक्शन थर्टी के अंडर तो इसमें अगर ड्राई या फिर एक्सेप्टर ऑफ चेक या फिर बिल ऑफ़ एक्सचेंज पे नहीं करता तो फिर लाइबिलिटी जो ड्रॉर की होती है वो अरइज़ होती है तो उसमें ड्रॉर बिल ऑफ़ एक्सचेंज या फिर चेक का एक एम्प्लाइड प्रॉमिस करता है कि जो भी उसका सम ऑफ़ मनी बनेगा तो ही विल पे इट टू द ड्राई या फिर एक्सेप्टर देयर ऑफ़ मेक्स इन पेमेंट फोर्थ लाइबिलिटी इन इंडोरसर सेक्शन थर्टी फाइव के अंडर इंडोर्सर वो होता है जो इंडोर्स करता है इंस्ट्रूमेंट को या फिर जो ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पे दैट इज़ द इंडोरसी तो लाइबिलिटी ऑफ इंडोरसर तभी राइज होती है जब ड्राई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि हमारा एक्सेप्टर होता है मेकर एक प्रोमिसरी नोट का या फिर ड्राई ऑफ ड्राई ऑफ अ चेक पे नहीं करता ड्यू डेट पे इंस्ट्रूमेंट की या फिर जब भी वो डिमांड करता है फिफ्थ होगा हमारा लाइबिलिटी ऑफ द ड्राई ऑफ चेक सेक्शन थर्टी वन के अंडर तो एक कवराइज होती है जब हमारा ड्राई बैंक के रिलेटेड होगा चेक कुछ भी होगा बैंक या फिर बैंकर के रिलेटेड ही होगा हैविंग सफिशेंट फंड ड्राई जो हमारा ड्रॉर है कस्टमर इन हिज बैंक मस्ट ऑनर द चेक ऑफ ड्रॉर जो हमारा कस्टमर है अगर ड्राई जो बैंक के रिलेटेड है तो वो रॉन्गफुली डिसोनर कर रहा है चेक को या फिर ड्राई बैंक के केस में कैन बी मेड लाइबल फॉर द डिफ़ॉल्ट तो बेसिस ऑफ बैंक का एक बेसिकली रिलेशन होता है बिटवीन बैंक और उसके कस्टमर जो इम्प्लाई करते हैं एक अंडरटेकिंग टू ओनर कस्टमर के जो चेक्स हैं अगर सफिशेंट फंड्स उनको मीट कर रहे हैं सिक्सथ हमारी लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन थर्टी सिक्स के अंदर जो भी हमारी प्रायर पार्टी है प्रायर पार्टी कौन सी होती है जो पार्टी जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करना था बिफोर हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स हमारे पास आए तो एक प्रायर पार्टी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइबल होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स जब तक पेमेंट ऑफ इंडोर्समेंट इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज तो इसका दो क्वेश्चन कर लिए हमने पार्टीज और लाइबिलिटी अब एक लास्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है हु कैन बिकम अ पार्टी टू नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट या फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के अंडर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वो पार्टीज और लाइबिलिटी इकट्ठा आएगा फिफ्टीन मार्क्स में फाइव मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा ज़रूर है पर चैप्टर्स बहुत ईजी और बहुत छोटे हैं बस लेंथ वाइज थोड़े ज़्यादा बड़े हो सकते हैं वैसे इजी हैं तो इन सिंपल वर्ड्स एक पर्सन जो कैपेबल है लॉ के अंडर जो सब्जेक्ट कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी टू के अंडर जो कॉम्पिटेंट है एक पार्टी बनने के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर तो वो हमारा पर्सन बन सकता है तो वो कौन हो सकता है सबसे पहले मेजर एटीन ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए उसकी एज ये तो लॉ में बेसिक है कि ये तीन तीन चीज़ें एक मेजर पर्सन एक पर्सन और साउंड माइंड जो समझ सके जिसको सूझबूझ हो चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंड कर पाए वो टर्म्स और कंडीशंस हमारे एग्रीमेंट की और कॉन्सिक्वेंस और हमारा थर्ड जो डिसकॉलीफाई नहीं है बाई अदर लॉ उसको कभी जेल नहीं हुई या वो कभी किसी इन्वॉल्वमेंट में नहीं था तो ये तीन चीज़ वैसे भी ये क्वेश्चन बनता है ये किसी भी चैप्टर से अगर पूछते हैं कि कौन पर्सन लाइबल है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सिर्फ बिजनेस लॉ में नहीं हर लॉ में तो ये तीन चीज़ें किसी भी कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में फाइव मार्क्स में आ सकता है ये बेसिक ही नॉलेज है मेजर पर्सन ऑफ साउंड माइंड और नॉट डिसकवालीफाइड बाई अनदर लॉ इन्होंने इसको ही आगे डिफाइन किया सबसे पहले माइनर एज अ पार्टी टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के अंदर एक माइनर में ड्रॉ इंडोर्स डिलीवर या फिर नेगोशिएट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक सो एज़ टू बाइड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ एक माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के ही कैन नॉट बाइड हिमसेल्फ बाई बिकमिंग पार्टी टू नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट वेदर वो ड्रॉर है मेकर है एक्सेप्टर है या फिर इंडोर्सर है वो लाइबल नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट पे। तो माइनर नहीं होगा मेजर होना इम्पॉर्टेंट है सेकंड है कॉरपोरेशन अ पार्टी सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के अंडर तो कॉरपोरेशन डिपेंड करती है प्रोविजंस पर एम ओ ए के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर चार्टर ऑफ इनकॉरपोरेशन अगर वो ऑथोराइज है एक्सप्रेस है या फिर एम्प्लाइड तो जो चार्टर ऑफ इंकारपोरेशन होगा वो ये कर सकता है तो इट में बिकम अ पार्टी टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अल्ट्रा वायरस थर्ड है हमारा एजेंट एज अ पार्टी सेक्शन ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट के अंडर सेक्शन ट्वेंटी सेवन क्या बोलता है कि एक पर्सन जो भी कैपेबल है ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ या फिर बींग बाउंड और सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के अंडर मेसो बाइंड हिमसेल्फ या फिर बाउंड ऑन ड्यूली ऑथराइज एजेंट जो भी उसके नाम के अंडर एक्ट कर रहे हैं तो एक अथॉरिटी ड्रॉ कर सकती है बिल ऑफ एक्सचेंज के जब तक वो ऑथराइज़ नहीं की गई बाय एजेंट या फिर अथॉरिटी टू तो इंडोर्स एक एजेंट बाइंड कर सकता है अपने प्रिंसिपल के जो भी वो एक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इस मैनर ड्यूली ऑथोराइज टू तो बिकम अ पार्टी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर फोर्थ है हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ पार्टी सेक्शन ट्वेंटी नाइन के अंडर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पर्सन जो साइन करता है अपने नाम पे एक नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पे जिस जो, जो भी लाइबिलिटी अक्कर कर रही है अनलेस क्लियर वर्ड्स तो वो लिमिट करते हैं लाइबिलिटी को एक्सटेंड जो भी हमारे एसेट्स है, है, हैं वो रिसीव हो रहे हैं रिसिव बाई हेम एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिफ्थ होगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एग्जाम्पल ड्रंकर्ड इंसेन या फिर एक्सक्ट्रा तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा बाई पार्टी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के एज दे आर इनकॉम्पेनेट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन एलेवन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिक्स है पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एक ट्रेडिंग फॉर्म में हर पार्टनर के पास एक प्राइम फीसिया होता है अथॉरिटी कि वो बाइंड कर सके को पार्टनर्स को बाई ड्राॅइंग साइनिंग या फिर इंडोरसिंग मेकिंग एक्सेप्टिंग ट्रांसफरिंग नेगोशिएटिंग बिल नोट्स या फिर चेक इन हिज नेम या फिर ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप तो एक पर्सन मेरे लिए डिस्क्राइब करता है ख़ुद को एज अ पार्टनर एज अ पार्टनर जो बाइंड ना कर पाए फॉर्म को एक पार्टनर नॉन ट्रेडिंग फर्म के पास ऐसी कोई एम्प्लॉइड अथॉरिटी नहीं होती सेवेंथ एच यू एफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली करता या फिर मैनेजर ऑफ़ एच उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो ड्रॉ करे बनाए इंडोर्स करे या फिर नेगोशिएट करे एक प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक को प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को बाइंड कर सकते हैं मेंबर्स इंक्लूडिंग माइनर और वो इन्फोर्स भी किए जा सकते हैं पर माइनर शैल नॉट बी पर्सनली लाइबल तो विद दिस ये चैप्टर ख़त्म है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू तो आर